नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल EBD पाठशाला पे। दोस्तों SSC CGL के कट ऑफ आने के बाद, बहुत सारे पोलिंग होने के बाद, मैंने बहुत सारे YouTube का भी पोलिंग देखा और साथ ही साथ मैंने अपने वीडियो के नीचे जो कमेंट आया है उसके मार्क्स का भी पोलिंग देखने के बाद मैं आपको जो फाइनल एक कट ऑफ तैयार करने जा रहा हूँ, जिसमें आपका जो है कितने मार्क्स रहेंगे तो आप जो है टीयर वन क्वालिफाई करिएगा उसके बारे में हम लोग बताएंगे और देखेंगे कि आपका जो है जनरल का कितना होना चाहिए, OBC का कितना होना चाहिए और SC ST का कितना होना चाहिए, ताकि आप जो है टीयर वन के लिए क्वालिफाई हो जाइएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कमेंट दिखा देता हूँ, जिसमें आपका जो है बहुत सारे लोगों का कमेंट है, जिसमें आपको जो है मार्क्स का अनुमान लग जाएगा कि कितना किस किस सीट में आपका जो है किस किस किसके मार्क आ रहा है। और बाकी सब जो जिस तरीके से मैंने बाकी सब यूट्यूब के जो पोलिंग के लिए जो आपका जो दिया जाता है उसको मैंने भी देखा है और आप लोगों ने भी देखा होगा, तो उसमें भी आपको जो है पता चल गया होगा। तो मैंने वो सब का भी सभी लोग जितने भी पोलिंग के लिए आपका जो है वोटिंग के लिए डाले थे उनका भी मैंने देखा और उनको भी एनालिसिस किया कि कितने जो है आपका लोग ने वोटिंग किया है, तो कितने परसेंट का जो है मार्क्स कितने कितने के बीच में वेरी कर रहा, और मैंने अपना भी देखा है। तो उस हिसाब से मैं ये आपका कट ऑफ बनाने जा रहा हूँ। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहले आपका जो है कि लोगों का कमेंट देख लेते हैं कि जिसमें आपको जो है लगे कि हाँ ठीक है, सभी लोगों का कमेंट जो है सही में आया है और एनालिसिस किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप जो है सारे का मार्क्स कितना कितना है, देख सकते हैं 110 यहाँ पर, फिर 90, फिर आपका जो देखते हैं 111, 104 मार्क्स, फिर आप देख सकते हैं 108 मार्क्स, 93 मार्क्स, 122 मार्क्स, इस तरीके से 112 मार्क्स, 106 मार्क्स, 146 देख रहे हैं, इतना के बाद एक आदमी मिला 87, 113, इस तरीके से आप देख सकते हैं। और बाकी जो है आप जो है पोलिंग में भी ऐसा देख रहे हैं, वो पोलिंग जिस जो बहुत सारे यूट्यूबर के द्वारा जो है मार्क्स का बना के और उसमें आपका जो है पोलिंग कराया जा रहा है कि कितना मार्क्स कितने कितने के बीच में जो है वोटिंग करिए कि कितना किसका जो है कितने मार्क्स के आसपास आ रहा है, इस तरीके से मैंने उसको भी एनालिसिस किया और लगभग मैंने 3-4 पोलिंग को एनालिसिस किया और साथ ही साथ मैंने अपने वीडियो के कमेंट को भी एनालिसिस किया है। उस आधार पर मैं एक कट ऑफ बनाने जा रहा हूँ। यदि आपको लगे कि नहीं इससे कुछ भैरी हो सकता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आप लोग जो भी इस वीडियो को देखें तो कमेंट बॉक्स पढ़ के उसको जो है सटीक अनुमान लग जाए कि उनका जो है CBT 2 का प्रिपरेशन जारी रखना चाहिए या फिर से आपको CBT 1 का ही प्रिपरेशन करना होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आपका जो है एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो हम लोग सबसे पहले जनरल के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की ओर बात करते हैं। तो इसमें जो है दोस्तों आपका जनरल के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर रहे हैं, तो इनका जो है 118 नंबर से 125 नंबर के बीच में रहेगा आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ, यानी जिनका रो मार्क्स 118 और 125 के बीच में आ रहा है वो आपका जो है सेफ है और वो जो है टीयर वन के लिए क्वालिफाई कर जाइएगा। अब OBC की बात कर लें तो OBC का जो है दोस्तों 108 से 113 के आसपास यदि है आपका मार्क्स तो आप जो है CBT 1 के लिए क्वालिफाई कर जाइएगा। आपको जो है आप इस स्कोर को के बीच में बिलोंग करते हो तो आप जो है सेफ जोन में हैं। और SC ST की बात कर लें दोस्तों तो उनका जो है यदि 103 से 108 के आसपास उनके मार्क्स आ रहे हैं तो वो जो है टीयर वन क्वालिफाई कर जाएंगे, टीयर वन के लिए वो आपका ये सेफ स्कोर है। इसके बाद आपको जो है नॉर्मलाइजेशन के बाद कुछ ना कुछ जरूर मार्क्स मिलेंगे, तो उस हिसाब से कट ऑफ नॉर्मलाइज कट ऑफ कुछ और होगी। मैं आपको जो है रो मार्क्स का कट ऑफ बता रहा हूँ, तो एक बार फिर से देख लीजिए, जनरल का जो है कट ऑफ वो आपका जाएगा 118 से 125 के आसपास रहेगा, OBC का देख लें तो 108 से 114 के आसपास रहेगा, और SC ST का देख लें तो 103 से 108 के आसपास रहने की संभावना है। तो इस तरीके से यदि मेरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ सारी चीज़ को एनालिसिस करने के बाद इतना रहा है, तो यदि आपको लगता है कि नहीं इसके आसपास नहीं होगा, कुछ और होना चाहिए, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।